थोड़ा सा कपकपी रहेगी बोले, क्योंकि मैंने इससे पहले इंजेक्शन दिया था ना करके, फिर अच्छा लगेगा। तो अभी फिर से हमको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद पहले तो हम सुबह घर से आए, और घर से आने के बाद उनको दर्द काफी उठ गया था, और डॉक्टर उनको लेकर गए। हमने इधर रूम ले लिया। रूम लेने के बाद अभी उन्होंने हमको बुलाया है, ऑपरेशन लगभग हो चुका है ऐसा पता चला है। और अभी पापा बनने की खुशी तो जीजाजी से मुझे, मैं उस टाइम कितना एक्साइटमेंट था, बाहर खड़ी वो फील कर ही सकता हूँ। जीजाजी भी, जीजाजी का खुशी दिख रहे, कितना खुशी हो रहा है। छोटू को पकड़ने दिया थोड़ा सा, हलिए वो दिए, पहचान लिया के हाँ, तो हम जानते थे, हम इसको जानते थे। ये है तकलीफ तो हो रही है, इसलिए तो सब परेशान हो गए हैं। थोड़ा सा तकलीफ तो होता ही है, सबका मुंह मीठा हो रहा है। हमारी बहन बच्चन का सर बहुत दुख रहा था, तो अभी इसको हमने थोड़ा सा सर दबा के दिया है। शायद कि अभी हमारे घर में जो भी है, एक नन्ना मेहमान आ गया है, बेबी है, बाबू है, ये तो हमको अभी खुद को भी अच्छे से नहीं पता चला। और ये हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावित्री कुमारी के बारे में, और इस वीडियो में खास बात करेंगे उनके बेबी के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि गणेश जी बताते हैं कि सावित्री जी को ब्लड चढ़ा है, और साथ ही में अपने ऑपरेशन थिएटर भी ले जाया गया है, और साथ ही में वो बताते हैं कि अब काफ़ी उनको टेंशन भी है और सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन भगवान की कृपा सब कुछ बढ़िया होगा। तो आगे वो बताते हैं अगले व्लॉग में कि सब कुछ बढ़िया हो गया है, और डॉक्टर अभी अपने ऑपरेशन थिएटर से नीचे लेकर आ रही हैं। और गणेश जी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि बेटा है बेटी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, आपको आगे पता चलेगा, चलिए साथ में। और फिर आगे वो जाकर एटीएम से पैसे निकालते हैं और सबको मिठाइयाँ खिलाते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ को वो लोग मिठाइयाँ खिलाते हैं, और सब लोग उनको कॉन्ग्रेट्स भी करते हैं। और जहाँ पर आप सावित्री जी कंडीशन देख सकते हैं, सावित्री जी की अभी भी हालत ठीक नहीं है, उनको काफ़ी पेन हो रहा है, शायद मेडिकेशंस के कारण उनको दर्द हो रही है, उन्हें एनेस्थीसिया भी दिया गया है जिसके कारण उनके हेड में भी पेन है। तो फाइनली सावित्री जी का नन्ना मेहमान इस दुनिया में आ गया है, जिसके कारण हम बहुत खुश हैं। अगली वीडियो में रिवील करने वाले हैं कि वह बेटा है या फिर बेटी। तो आशा से इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और इसी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।